हेलो आप एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट इन जोन में। सो आज हम एक वैकेंसी नोटिस की बात करेंगे। इसमें हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता और बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता की बात करता हूँ, जिसमें अलग अलग जो पोस्टें हैं उनमें वैकेंसीज क्रिएट हैं और उसमें वैकेंसी निकली है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, वो आपकी 4 अगस्त है। अभी टाइम बचा है आपके पास बहुत कम। तो जब भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें 15 से 20 दिन का ही टाइम दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहली जो वैकेंसी है उस पर बात कर लेते हैं। तो जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 23 वैकेंसी इसमें टोटल, जिसमें 10 जनरल की है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको दी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो हमें स्टेट का होना अनिवार्य है, ठीक है, पहली चीज़। तो चलिए इसके बेसिक पे की बात करें तो 35,800 इसका बेसिक है जो इस पोस्ट के लिए रखा गया है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन है वो लागू ना होकर स्टेट गवर्नमेंट के पे कमीशन लागू होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो आपका चल जाएगा। डिज़ायरेबल की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अदरवाइज़ काम चल जाएगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2। इसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 4, जनरल की 2, एससी एसटी की 1-1, ठीक है। एससी एसटी अगर आप स्टेट के हैं तो ही लागू होगा, अदर स्टेट के हैं तो आपका लागू नहीं होगा। 35,800 इसका भी बेसिक है लेवल 8 में, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पे कमीशन पे लागू होता है। एसेंशियल की बात करूँ तो देखिए, आपको बीएससी बीसीए या डिप्लोमा आपकी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए, यानी कि उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिज़ायरेबिलिटी आपकी है तो भी चलेगी, नहीं है तो भी चलेगी, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम जूनियर असिस्टेंट, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है और इसमें किसी भी तरीके की कोई अदर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें बात करें तो टोटल जो है 78 पोस्टें हैं, 41 जनरल की हैं, एससी की 17, एसटी की 5, ओबीसी की, ओबीसी ए की 8, ओबीसी बी की 5 और पीएच की 2। बेसिक पे की बात करूं तो 27,500 इसकी बेसिक है लेवल 5, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स होते हैं या उसके जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं एसेंशियल की बात करूँ तो जो आपका एसेंशियल है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो हायर सेकेंडरी है, ठीक है। आपको 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो भी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल है उससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें साफ है कि आपका जो बोर्ड है वो वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं इर्द गिर्द उसके होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। डिज़ायरेबिलिटी अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी चलेगा, तो मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। अब इसके बात करते हैं जूनियर पियोन की, तो 7 इसमें टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं, 7 जनरल की हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरीज़ की हैं। लेवल 1 जो स्टेट गवर्नमेंट पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग 18,500 बेसिक के साथ आपकी जो पे कमीशन है वो रखी जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ 8th पास होना है, 8th पास होने की आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ जनरल जो कंडीशंस हैं वो आप समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, इतना भी नहीं, लेकिन अगर आप लोअर पोस्ट पे जाते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कोई इंक्वायरी ली जाएगी। बट अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसका लेवल आपका 5 या 5 से ऊपर है, तो उन केसों में आपकी इंग्लिश की भी जो है टेस्ट ली जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है एज रिलैक्सेशन। तो जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो उनकी एज रिलैक्सेशन है वो अप टू 40 इयर्स होती है, तो यहाँ पर भी अप टू 40 इयर्स आपको जो है चांसेस दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप 40 इयर्स तक हैं तो आप इस इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, अगर आप पहले से ही एम्प्लॉयड हैं किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में या कहीं पर भी, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है, और प्रॉपर चैनल से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, इन सभी पोस्टों पर आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो जो इसमें रिक्वायर्ड है वो आपको सही से पढ़ना है और उसके बाद ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करनी है, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा बिल्कुल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है इस
ऑनलाइन एप्लीकेशन में कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ एक URL दिया हुआ है, आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे। आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करके आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन वो खुल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पहली एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वाईफाई अगर आप यूज़ करते हैं, वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो ये जो साइट है नहीं खुलेगी। तो आपको अपना मोबाइल का डाटा ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मोबाइल के डाटा से ईजिली खुल जाएगा और आपको लॉगिन करना है, या फिर आप डायरेक्ट जो सर्वर नेट होता है, ठीक है, NIC का नेट होता है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़, इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरी वैकेंसी की। तो देखिए ये है BSF की पोस्टें, जिनमें आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से लेकर ASI असिस्टेंट सेक्शन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, इसकी पोस्टें निकली हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें टोटल 11 वैकेंसीज है, और वो सारी की सारी ST कैटेगरी की, यानी कि ST के अलावा कोई भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ST ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है 11 वैकेंसीज़। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ST कैटेगरी से हैं। सो इन पोस्टों के लिए अप्लाई भी करें और बिल्कुल मेहनत कर लें, क्योंकि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। BSF जैसी नौकरी और सीधा ASI की पोस्ट, ठीक है, लेवल 5 है जिसकी सैलरी। चलिए अब हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो टोटल 312 वैकेंसीज़ हैं, UR में 154, EWS की 41, 65, OBC की 80, 38 की और ST की 14, ठीक है। 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को फ्लैट दिया जाएगा, ठीक है। अगर पे स्केल की बात करें तो ASI का लेवल 5 है 29,200 के साथ, और लेवल 4 है हेड कांस्टेबल का 25,500 बेसिक के साथ। एज लिमिट है सिर्फ आपकी 25, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, DOPT के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर कंडीशंस की बात करें तो 10+2 होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10+2 अगर आप नहीं हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, और recruitment.bsf.gov.in की साइट पे आपको जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो आने वाले टाइम पे मिल जाएगा, जब इसकी ऑनलाइन जो मोड है जब ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।